हेलो एवरीवन, आइडिया भारत स्किल यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो सेट टू के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बचे हैं उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ ITI फर्स्ट ईयर वाले, आप ट्रेड इलेक्ट्रिकल से हों चाहे मैकेनिकल से, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 6 क्वेश्चंस जो रहते हैं 12 नंबर के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप एक बार खुद रिवीजन ज़रूर करिए जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करना। और चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एक बार सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको विधिवत तरीके से बताऊँगा किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए जल्दी से बताइए सभी साथी, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे जिससे कि कैलकुलेशन ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, इज़ राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट। 4.24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे है मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको यहां पर बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, आपका दिया गया है यहाँ पर 8.5 और 18.19, इनको क्या कर लो, पहले ऐड कर लो, प्लस प्लस के एक साथ जोड़ लो। तो यहाँ पर देखिए 18.19 8.50, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ये 6 हो गया, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 और 8 कितना होगा 16, और 6 हो जाएगा और 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया 26.69, ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो माइनस वाला जो पार्ट दिया गया 22.45, तो इसमें आपको माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए, आप माइनस करेंगे 26.69 को, आप जब 22.45 से जब आप माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 9 में से 5 गए तो 4 बचेंगे, और 6 में से 2 गए तो यहाँ पर 6 में से 4 गए तो यहाँ पर 2 बचेंगे पॉइंट, और 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 में से 2 गए 0 बचेंगे। इस प्रकार जो आपका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर सी यानी 4.24 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप समझ चुके होंगे, आप स्वयं करेंगे तो और अच्छे से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर देखिए, भुजा ए बी क्या है, यदि ए सी आपकी दी गई 10 सेंटीमीटर और बी सी आपकी दी गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हैं आपकी, देखिए यहाँ पर ए सी जो आपकी यहाँ पर दी गई ये वाली 10 सेंटीमीटर दी गई, और बी सी आपकी जो यहाँ पर दी गई बी और सी ये वाली, ये आपकी दी गई 6 सेंटीमीटर, आपसे ये वाली भुजा आप निकालना है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, एक पाइथागोरस प्रमेय होते पाइथागोरस एक सूत्र होता है, तो आप क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, बस ये चीज़ आप याद रखिए। अब आपको यहाँ पर दिया क्या है, पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्ण होता है, ये कर्ण होगा, यहाँ पर ये आपका आधार होगा, और ये आपका क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, समझ चुके हो। अब आपको करना क्या है, कर्ण आपका यहाँ 10 दिया गया, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब आपका दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिए, और आपको निकालना क्या है, आधार, आधार को मान लीजिए x, ठीक, इसको x स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा बराबर, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा प्लस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर क्या, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 में से, आप जब यहाँ पर 36 को माइनस करेंगे, 100 में से 36 माइनस करेंगे, आप माइनस करके देखिएगा कितना आएगा, 64 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा। जब एक्स की आप जब वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 हो जाएगा। अब जो 64 हैं इसके फैक्टर कितने निकालना है, देखो 64 का फैक्टर निकल सकता है 8 × 8 हो जाएगा अंडर रूट में, जब इसका वर्ग निकलेगा, वर्ग यहाँ पर निकल, थोड़ा जगह नहीं लेकिन फिर आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर वर्ग निकलेगा, तो यहाँ पर जो आपका वर्ग निकल के आएगा, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, एक्स बराबर अंडर रूट 8 × 8, जो पेयर में क्या होता है, वर्ग में हमेशा एक जोड़ा निकल के आता है, एक बाहर निकल के आता है, यानी 8। तो इसका जो राइट आंसर इस प्रकार जो आया है वो हमारा 8 आंसर आएगा, मतलब जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा, 8 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार स्वयं कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और किसी भी प्रकार का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा।
चलिए एक क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ए सी का मान निकालना, लेकिन यहाँ पर ए बी जो दिया गया, देखिए ए बी आपका 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है आधार, और बी सी जो आपका दिया गया वो लंब कितना 5 दिया गया। तो आपको यहाँ पर जो कर्ण निकालना है वही मैंने सूत्र बताया उसको ही लगाना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ पर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका यहाँ होने वाला है, देखिए आधार कितना दिया गया यहाँ पर, आधार आपका दिया गया 7, 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 × 49 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लंब कितना हो जाएगा 25, तो 5×25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों को ऐड करना, 49 और 25 को जब आप ऐड करेंगे, 49 और 25 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 9×5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 4×2 6 7 हो जाएगा, यानी 74 हो जाएगा, टोटल आपका 74 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 74 जो हो गया ना, आप देख सकते हैं आप 9 और आपका देखिए 9×5 14 और 4×2 6 7। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं इतना। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, कर्ण जो है कर्ण का वर्ग वो जो होता है इनटू आपका क्या होगा 74। ठीक है, यहाँ पर 74 होगा। अब 74 का जब आप फैक्टर निकालेंगे, आप 74 का जब फैक्टर निकालेंगे तो आपका जो मान जो आएगा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आएगा वो कितना आएगा आपका यहाँ पर 8.6 आएगा। लेकिन आपकी एग्ज़ाम में दशमलव वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं पूछा, लेकिन आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से आप बिल्कुल प्रॉपर वे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि L2 की लंबाई क्या है, यदि कुल लंबाई आपको यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई है यहाँ पर 2.75 मीटर दी गई है, L1:L2=2:3 दिया गया है, तो आपसे पूछा गया L2 की लंबाई आपको निकालना। ठीक है, तो सादा बिल्कुल सिंपल तरीके समझते हैं, L दिया गया है 2.75 दिया गया है मीटर में, लेकिन आपका यहाँ अनुपात दिया गया है L1:L2 आपका दिया गया 2:3 दिया गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि L1+L2 जो आपका टोटल मान दिया गया यहाँ पर देखिए, तो L1 मान लीजिए कितना 2x मान लीजिए, L2 आपका 3x मान लीजिए। ठीक है, ये आप, और टोटल आपका दिया गया 2.75 दिया गया। ठीक है, इसको x मान लीजिए यहाँ पर, L1 को यहाँ पर 2x मान लीजिए, और L2 को यहाँ पर 3x मान लें। ठीक है, इसको काल्पनिक लेकर चलें, अब इनको टोटल कर लीजिए, ये आपका 5x हो जाएगा, तो 2.75 हो जाएगा। जब आपको x निकालना है तो x बराबर क्या होगा, ये इतना नोट कर लेना, तो x बराबर आपका यहाँ पर आएगा 2.75 बटे में आपका यहाँ आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर जो आपका बटे में आएगा वो 5 आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, L2 निकालना, देखिए यहाँ पर पूछा गया L2 निकालना है, तो L2 जो हमारा दिया गया है वो उसका मान दिया गया है 3 दिया गया, तो आपको क्या करना है, L2 को यहाँ पर 3 से गुणा कर देना। ठीक है, गुणा कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाग करना है, ये कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगी। देखिए 25 से काटेंगे, 25×2=50, ये आपका 20 हो गया। अब ऊपर काटेंगे, ये 7 है, 25×25 हो जाएगा, और 25×25 होगा, क्योंकि 2 बचेंगे फिर 25 बन जाएगा, तो 25×25, ये आप यहाँ तक समझ चुके हो। अब आपको करना क्या है, एक्स बराबर जो आपका आएगा 11×3 बटे में, सॉरी इसमें यहाँ 11 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 10×2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, 2 से डिवाइड करिए, 2 से काटेंगे, 2×5=10 और 2×5=10, ये आपका 5.5 आ जाएगा। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 3×5=5 और 3×5=16 हो जाएगा, और दशमलव आपका कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, और नीचे आपका यहाँ पर कितना दिया गया, 10 नीचे और दिया गया, तो 1 अंक और आगे क्या हो जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा ना, 1.65
ये इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आप स्वयं करिए एक बार तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और नोट जरूर करते चलिए, स्वयं सॉल्व करेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन, को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मैकेनिक 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना दिन लेता है, वह 3 दिनों में 8 मशीनों को असेंबल करता है। तो उसको सीधा क्या करना है आपको, 8 मशीन है, कितने दिन में, 3 दिन में असेंबल करता है। ठीक है, तो एक मशीन को कितने दिन में करेगा, 3/8 करेगा। आपसे पूछा कितना गया, यहाँ पर 64 का पूछा गया, तो आप कर गए यहाँ पर 64 का इंटू कर दीजिए। 64 का जब आप इधर इंटू करेंगे, यहाँ पर 64 लिख दीजिए, 64। ठीक है, तो ये काटेंगे 8 का 8 64 हो जाएगा। तो कितने दिन काम करेंगे ये, यहाँ पर देखिए, मतलब 8 जो मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, 8 या 24, यानी कितने, 24 दिन लगेंगे। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मोटरसाइकिल के टायर को 300 रुपये में बेचता है, यदि उसमें 25% लाभ जोड़ा जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा गया, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर उसने बोला है कोई वस्तु को एक्स पे ख़रीदा, अब उस पर क्या करता है, 25% का लाभ करता है, तो एक्स इंटू 25/ आपका यहाँ हो जाएगा 100 बराबर कितने में बेचता है, 300 में यहाँ पर बेच देता है। ठीक है, इतना आप यहाँ पर जरूर करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो 25 + 25 = 100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस एक्स बटे 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लेना, चलते हैं आगे देखते हैं। तो आपका जो आया है एक्स प्लस एक्स बटे जो 4 आया बराबर 300 आया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ 1 मान लीजिए, 4x प्लस एक्स बटे आपका यहाँ 4 हो जाएगा बराबर आपका यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और जो आपका जो नीचे 4 दिया वो गुणा में ऊपर चला जाएगा, 300 × 4 हो जाएगा। आपको एक्स निकालना है तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पर 300 × 4/5, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 6 = 30, यानी कितना आपका आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप इसमें 60 का 4 का इंटू करेंगे तो 6 × 24, 240 आपका क्या यहाँ निकल के आएगा, क्रय मूल्य यहाँ पर निकल के आएगा। आप स्वयं ज़रूर कीजिएगा, मैंने आपको सॉल्व करा दिया, इसी तरीके से सॉल्व होगा। जब तक आप स्वयं सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा और शेयर कर देना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन, को अच्छे से पढ़ें और राइट आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए सभी का कमेंट कर, इसमें दिया गया 18.5% के रूपांतरण का 0.5 क्या होगा, तो 0.5 पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आएगा वो हमारा जो भी साथी कर रहे हैं, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 0.185 इसका राइट कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। 18.5 दशमलव को हमेशा जब पढ़ेंगे 1/100 का इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर आपका नीचे 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ बच गया 185/ आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, अब जितने अंक हैं ना, एक के आगे जितने 0 हैं तो उतने ही आपके क्या होंगे, 1 2 3 उतने ही आगे क्या हो जाएंगे, आपका आगे दशमलव लगेगा, या 3 अंक के आगे आपका दशमलव, मतलब किस साइड, हमेशा उल्टे साइड दशमलव बढ़े लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी कि 0.8185 ये 0, इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा, 0.185 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके जो सेट 2 के कुछ क्वेश्चन बचे थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पूरे करवा दिए।
तो इसका जो नया सेट आएगा सेट नंबर 3 के क्वेश्चंस नए के साथ, नए टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रही है। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।